और आखिर में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, मोदी सरकार ने बहुत आर्थिक सुधार किए हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी काफ़ी सुधार किए हैं, पर जो संगठित क्राइम है हमारे देश में, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कड़े कानून बनाए जाने की ज़रूरत है, या राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसे संगठनों का, जैसे NIA गठित किया गया है, बनाया गया है, ये तो UPA सरकार के समय इनिशिएट हुआ था, इस तरह की और व्यवस्था बनाए जाने की ज़रूरत है, ताकि जो माफिया है या अलग अलग सेक्टर के जो संगठित गिरोह काम कर रहे हैं देश की सीमाओं के भीतर भी और देश की सीमाओं के बाहर से भी, ऐसे लोगों को नियंत्रित करने की अब ज़रूरत है, समय आ गया है। बिल्कुल जरूरत है, समय भी है और साधन भी है। देखिए सर, आज हम कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आज हम पॉल्यूशन के केसेस की बात कर रहे हैं, तो हमने एक सेपरेट NGT बना दिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, के सारे पॉल्यूशन के केसेस वहीं जाएंगे। हमने बाकी टैक्स ट्रिब्यूनल्स की बात करी, वो वहां जाएंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए हमने कानून बना दिए, लेकिन कोर्ट्स वहीं हैं। आज अतीक अहमद को इलाहाबाद कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी, उदाहरण के लिए। अब इसी तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही एक स्पेशल बेंच बैठा दीजिए ना, उसका काम यह हो कि जितने ऑर्गेनाइज क्राइम के केसेस हो पहले उसको निपटा दो फटाफट, फिर साल में एक आधा कोई केस आएगा तब वो बेंच बैठ जाएगी, नहीं तो रेगुलर मैटर हैंडल करे। सो कहने का मतलब यह है कि ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जिस दिन राज्य सरकार चाहेगी, स्टेट चीफ सेक्रेटरी चीफ मतलब कि चीफ जस्टिस से मिलके, स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलके एक बेंच बना दें कि सर एक डेडिकेटेड बेंच दे दो, जो भी इस तरह के सिंडिकेट क्राइम्स आते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, या ऐसा क्रिमिनल जिसके ऊपर 10 से ज्यादा केस चल रहे हो, जो हिस्ट्री शीटर हो, उसको आप रेगुलर मैटर में मत लीजिए, उसको प्रायोरिटी पे लीजिए, क्योंकि जितने समय बाहर रहेगा समाज के लिए खतरा है। आप इसका फटाफट निपटारा करिए, हम इसको अंदर टिकाते हैं ताकि समाज आसानी से रह सके। लेकिन आपको उसी केस को लगाना होता है, जेब कतरा भी उसी लाइन में है, साइकिल चोर भी उसी लाइन में, और एक हिस्ट्री शीटर भी उसी लाइन में, और हिस्ट्री शीटर का फिर नंबर आता है 5 साल बाद 3 साल बाद, और जब नंबर आता है तो फिर उसके वकील, क्योंकि उसके पास तो पैसा है ही, इलीगल पैसे की कमी नहीं है, वो वकील को ये कहता है कि अगली डेट ले लेना साल भर बाद की, फिर वो 1 साल बाहर घूम रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि मुश्किल नहीं है रोकना, अगर नियत है तो कल से काम हो सकता है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस को बुला के बोलना चाहिए कि मेरा रिक्वेस्ट है कि ये आप इस तरह की एक बेंच बनाइए, जो क्रिमिनल जिसके ऊपर 10 से ज्यादा रजिस्टर्ड केसेस होंगे वो सारे केस हम आपके अंडर शिफ्ट कर रहे हैं, डेडिकेटेड पुलिस, डेडिकेटेड फोरेंसिक टीम, मैं पूरी खड़ा कर रहा हूं। क्या कॉस्ट आएगी आपको, चार जज एक्स्ट्रा अपॉइंट करने हम करते हैं, आपको कुर्सी में चाहिए हम देते हैं, ये पकड़िए 10 करोड़ रुपए बना दीजिए। वो 10 करोड़ रुपए आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो पुलिस मेंटेन करने पे 1000 करोड़ रुपए लगते हैं हर बार, वो बच जाएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो 10 करोड़ निकलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन वो सोच होनी चाहिए, अब सोच नहीं है या कोई राजनीतिक मजबूरी है, अब ये हमें नहीं। आपके इस जवाब से एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में पैदा हो गया है। हरीश सालवे अगर लंदन में बैठकर के किसी केस की पैरवी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहस कर सकते हैं, तो ये अतीक अहमद जैसे माफिया साबरमती जेल से ही किसी कैमरे पर ऑनलाइन लेकर के इनकी इनका पक्ष क्यों नहीं लिया जा सकता है, या इनको ये क्यों नहीं बताया जा सकता है प्रयागराज की कोर्ट से कि आपका जो आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उमेश पाल हत्याकांड में, हम इसमें जो चार्जशीट पेश की गई है हमारे सामने, हम उसका संज्ञान ले रहे हैं और आप इसमें दोषी हैं, हाँ ना जो भी एक प्रक्रिया होती है उसमें, ये तो ऐसे भी किया जा सकता था, उसके 2 या 4 चक्कर साबरमती से नैनी और नैनी से साबरमती कटवाने की जरूरत ही क्या थी, शायद ये अभी तक जिंदा रहता अगर ऐसा हो पाता तो। सर जो आपने कहा है कोई मुश्किल थोड़ी है, आप और हम भी तो बात कर ही रहे हैं ना,
आप जज हैं, मैं गुनहगार हूं, आप पूछिए जो पूछना है, मेरे को जो जवाब देना है मैं दूंगा। तो क्या ये रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती? हो सकती है। हमने बहुत सारे आर्बिट्रेशन केस ऐसे किए, इवन अपीयरेंसेस बहुत सारी ऐसी करी हैं जहां रिकॉर्डिंग है, क्यों नहीं हो सकता? सवाल ये नहीं है कि क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है सर। जब देश, दो देश के प्रधानमंत्री आपस में बात कर सकते हैं, जब अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो सकते हैं, तो क्रिमिनल और जज के बीच में वार्तालाप क्यों नहीं हो सकता? इसमें मुश्किल क्या है? एक ऑर्डर ही तो निकालना है कि जो क्रिमिनल पर्सनली नहीं आना चाहता, ऑनलाइन अपीयर हो जेल से, खत्म हो गई बात। और बहुत सारी जगह होता भी है। तो कहने का मतलब यह है सर, कोई मुश्किल नहीं है। जहां नहीं हो रहा है वहां एनफोर्स कर दिया जाए कि फिजिकल प्रेजेंस इज ओनली ऑप्शनल, ऑनलाइन प्रेजेंस इज मैंडेटरी। तो जो आपके पासओवर के झगड़े हैं कि ये साहब आदमी नहीं आया, वकील नहीं आया, वकील साहब नहीं आया, घर से अपील हो जाइए ना, क्या प्रॉब्लम है? कोर्ट क्यों आना है आपको रोज? आपका वकील है, आपको अपियर होना है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं है, 15 मिनट आगे टीवी पे बैठ जाओ ना, कैमरे के सामने, जो आपको अपने पक्ष रखना है रख दीजिए, जज साहब सुन लेंगे। क्रिमिनल को दूसरी तरफ बैठा लो, उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग जज कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली जजेस क्या है, 200% दे आर डिपेंडेंट ऑन लॉयर। ये कानून के हिसाब से गलत है, क्योंकि कानून में इस बात का प्रावधान है कि जज क्रिमिनल को डायरेक्ट क्वेश्चन करके सच्चाई जान सकता है और जानना चाहिए। ना जजेस इंटरेस्ट लेते हैं, ना वकील चाहते हैं कि क्लाइंट सामने आए, और पूरा सिस्टम जज और वकील के बीच में बन के गया, समाज तो बाहर हो गया पूरे जुडिशियल सिस्टम से। तो ये डिफेक्ट हम लोगों ने खुद क्रिएट किया है अपने स्वार्थों के लिए, क्योंकि अगर क्लाइंट सच सच बोल देगा तो अगली हियरिंग की डेट नहीं मिलेगी ना सर। पैसा तो हियरिंग में है, पैसा सच्चाई जानने में थोड़ी है। तो ये तो वेस्टेड इंटरेस्ट है और सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि जजेस को नहीं पता। लेकिन सवाल ये कि होता क्यों नहीं, ये जो क्वेश्चन ऑफ प्रोफेशनलिज्म है ना, प्रोफेशनल एथिक्स की बात आ जाती है। अब आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे सिस्टम के अंदर कोई इस तरह के डिफेक्ट्स आ गए हैं जिनको हटाना जरूरी है।